बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं अल्कोहल पॉइजनिंग। बच्चों क्या आपको पता है कि सारे अल्कोहल में, दुनिया में जितने भी अल्कोहल हैं, केवल उनमें एक ही अल्कोहल ऐसा है जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाय एनी मीन्स, और उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अल्कोहल ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो टॉक्सिक होगा और वो बॉडी पे लीथल इफेक्ट्स दिखाता है। आइए जानते हैं। Among all the alcohols, only ethyl alcohol or ethanol is suitable for drinking purpose. चाहे आप medicine की form में लें या कोई आप beverages की form में लें, drink की form में लें, तो alcohol में आप सिर्फ ethanol ही use कर सकते हैं। Ethanol is commercially sold by government as denatured alcohol to prevent its misuse by adulterant. मेथेनॉल, कॉपर सल्फेट एंड प्रिडीन मेनली। बच्चों होता है क्या है कि जो इथेनॉल होता है उससे कॉमर्शियली बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि जो आपके जो लकड़ी का काम होता है उसे पेंट करना है, वार्निश करना है, तो वहाँ पे इथाइल अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज है। तो और लेबोरेटरी के अंदर होता है, आपने स्प्रिट लैम्प देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे नर्स या जो वार्ड बॉय होता है वो कॉटन से आपकी स्किन को रब करता है। तो वो सब जो होता है डीनेचर्ड अल्कोहल होता है बच्चों, इथाइल अल्कोहल होता है जो गवर्नमेंट बेचती है कॉमर्शियली। उसका रेट काफी सस्ता होता है, लेकिन उसको लोग मिसयूज ना करें, इसके लिए उसको पीने के लिए अनफिट बनाया जाता है उसमें कुछ चीजों को मिला के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और जो चीजें मिलाई जाती हैं इथाइल अल्कोहल में उनको बोलते हैं एडल्ट्रेंट, जैसे कि आपका मिथेनॉल क्योंकि ये पॉइजनस होता है, कॉपर सल्फेट इससे कलर ब्लू होता है, और प्रिडीन, इसकी वजह से जो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें जो है ऑफेंसिव ऑडर आती है, मतलब आप अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो आपको उल्टी जैसा फीलिंग होगा। ये सब चीजें मिलाई जाती हैं, मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट, प्रिडीन, और इनको एडल्ट्रेंट बोलते हैं। ये मिलाया जाता है कॉमर्शियली जो सोल्ड अल्कोहल होता है, यानी कि डीनेचर्ड इथेनॉल, ताकि वो पीने के लिए अनसुटेबल हो जाए और लोग उसको ना पिए। Some people prepare ethanol from this denatured alcohol by using distillation process. बच्चों दिक्कत यहाँ पर शुरू होती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो distillation process को use करते हैं और इस denatured alcohol से ethanol को बाहर निकालते हैं। Clear हुआ? Methanol is poisonous in nature. Ethanol prepared by denatured alcohol consists of methanol in small amount. बच्चों ये amount लिखा हुआ है AMT short में। होता क्या है कि जब distillation करते हैं तो वो सोचते हैं कि ethanol ही बाहर आ रहा है by maintaining the temperature, by maintaining the boiling point, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत मिथाइल अल्कोहल भी कैरी कर जाता है इस डिस्टिल्ड इथाइल अल्कोहल में, यानी कि जो आप इथाइल अल्कोहल निकाल रहे हैं ये सोच के कि ये प्योर इथाइल अल्कोहल है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो मिथेनॉल की आ जाती है, और थोड़ी सी अमाउंट ही काफी है लाइफ को खराब करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए। तो आइए देखिए, 10 ml मिथेनॉल कॉजेज विजन लॉस एंड 15 ml कॉजेज कोमा एंड फाइनली डेथ। बच्चों हो रहा क्या है कि अगर कोई आदमी ऐसा अल्कोहल यूज कर लेता है जो कि पब्लिक में बेचा जाता है गरीब लोगों को, ये बता के कि ये सरकार ने गवर्नमेंट ने शराब है ये सस्ते रेट में बेच दी है, और जो लोग हैं लालच में वो शराब ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये जो इथेनॉल वो ले रहे हैं वो कहाँ से आया है, उनको नहीं पता ये कैसे बनाया गया है, कि इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल होगा कि नहीं होगा, उनको ये भी नहीं पता होता पीने वाले को, यूज करने वाले को, कि केवल इथेनॉल ही सुटेबल है। मिथाइल अल्कोहल अगर थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर यू चला गया तो वो लीथल होगा, उनको पता नहीं होता है। और जब वो ऐसा इथाइल अल्कोहल, ऐसा इथेनॉल यूज करते हैं जिसमें मिथेनॉल एडल्ट्रेशन प्रेजेंट है, मिथेनॉल प्रेजेंट है, तो वो टॉक्सिसिटी शो करता है। 10 ml आप देख सकते हैं, 10 ml ही आपकी विजन लॉस के लिए, अंधेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और अगर थोड़ा सा ज्यादा पी लिया उसने या थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर मिथेनॉल प्रेजेंट है तो 15 ml ही बॉडी के अंदर काफी है अपना असर दिखाने के लिए, जान लेने के लिए। पहला जो आता है कि आदमी कोमा में जाता है लगभग 12 घंटे के बाद, और कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्यों होगी वो देखेंगे आगे। आइए बच्चों अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग, कैसे होती है पॉइजनिंग बाय अल्कोहल।
यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हुए, दोनों केमिकल रिएक्शन को आप दे सकते हैं, एक इथेनॉल के लिए दूसरा मेथेनॉल के लिए। ये वो इथेनॉल यूज कर रहे हैं जिसमें मेथेनॉल कैरी कर रहा है, यानी कि आपने रेक्टिफाइड स्प्रिट से इथेनॉल से जो कॉमर्शियली अवेलेबल एल्कोहल है उससे आपने निकाला है अल्कोहल और उसके अंदर आ गया है, आपको कैरी कर रहा है मेथेनॉल, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथेनॉल को अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ने जिसको एडीएस से शो किया हुआ है ऑक्सीडाइज कर देता है एसिटल्डिहाइड में। अब एसिटल्डिहाइड को एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज जिसको एएलडीएस से शो किया हुआ है ये ऑक्सीडाइज करता है फर्दर एसिटिक एसिड में। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल के साथ भी रिएक्शन ऐसे ही होता है कि यहाँ पे जो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज होता है वो उसको ऑक्सीडाइज करता है फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड को एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है फॉर्मिक एसिड में। अब होता क्या है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है ये नंबर ऑफ फॉर्मेट सॉल्ट बनाता है बॉडी के अंदर। ये जो मिथेनॉल टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय फॉर्मेट्स ऑब्टेन्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ इट। क्लियर हुआ। यही बताया था आपको कि यहाँ पे जो मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होगा, जो उसका ऑक्सीडेशन होगा, उससे मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड से बनते हैं नंबर ऑफ फॉर्मेट्स और ये फॉर्मेट्स ही टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। कैसे करते हैं आइए। इन लिवर मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एडीएच एंड देन मेटाबोलाइज्ड इनटू फॉर्मिक एसिड बाय एएल डीएच। ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्मेट्स ब्लॉक एटीपी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम। बच्चों होता क्या है कि जो यहाँ पे मिथेनॉल से फॉर्मिक एसिड बना वो फॉर्मेट बनाएगा और फॉर्मेट सॉल्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजोल्व होने के बाद साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो जब साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और एटीपी आप जानते हैं दीज आर सिंपली नोन एज एनर्जी कॉइंस। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है इट इज ड्यू टू एटीपी फॉर्म। एनर्जी की एटीपी फॉर्म जो होती है वो एनर्जी कॉज करती है, यानी बॉडी में एनर्जी कम होने लगेगी सिंपली। अब आगे चलते हैं। इट कॉजेज हाइपोक्सिया, इंपेयरमेंट ऑफ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोलरिटी एंड कंडक्शन। बच्चों होता क्या है कि जब ये प्रोसेस होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन कम होने लगता है बॉडी में, साथ के साथ जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट टॉक्सिसिटी इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन इन अ बॉडी टिश्यू व्हेन एवर द एयर सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई इज सप्रेस, यानी कि टिश्यू को बॉडी सेल्स को हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके साथ में क्या होता है, इंपेयरमेंट ऑफ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। बच्चों इसका मतलब क्या होता है इंपेयरमेंट ऑफ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट का, कि जो हमारे न्यूरोसोम होते हैं जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, वो भी रुकने लगता है। नेक्स्ट जो होता है उससे क्या होता है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोलरिटी, मेम्ब्रेन पोलरिटी कम होने लगती है और उससे हमारा कंडक्शन भी कम होने लगता है, सिग्नल कम जाने लगते हैं। नेक्स्ट जो होता है डिसरप्टेड कंडक्शन, जो ये लास्ट स्टेज में कंडक्शन को जिसने कम कर दिया है कि डिसरप्टेड कंडक्शन का फ्लो रुक जाएगा और इसी से कॉज होता है विजुअल लॉस, यानी कि आई साइट चली जाती है और आदमी को पहले धुंधला दिखता है फिर बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल टॉक्सिसिटी। अगर किसी आदमी ने गलती से मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया है तो कैसे उसको बचाया जा सकता है, कैसे उसकी फर्स्ट एड की जा सकती है, आइए। तो यहाँ पे मेन दो पॉइंट लिए हैं, उसके अलावा और भी होते हैं। तो यह पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द पर्सन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल। बच्चों आपने देखा था कि जो भी अल्कोहल होता है उसको अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एडीएच एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने में, ये आपने अभी देखा था। तो होता क्या है कि अगर किसी आदमी ने मिथेनॉल कंज्यूम किया हुआ है तो उसकी बॉडी में इथेनॉल और इंजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ताकि जो बॉडी के अंदर एडीएच है उसकी जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाए और मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन रुक जाए, पहला। दूसरा क्या होता है पॉसिबिलिटी, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स इज आल्सो पॉसिबल टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस
एंड हीमोडायलिसिस टू इजेक्ट टॉक्सिंस फ्रॉम द बॉडी। बच्चों दूसरा क्या हो सकता है कि बॉडी के अंदर आप बाइकार्बोनेट इंजेक्ट कराइए और बाइकार्बोनेट इंजेक्ट कराने के बाद वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हीमोडायलिसिस को करेक्ट कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिंस जो है वो तेजी से बाहर रिलीज होने लगेंगे, उससे बॉडी को कम डैमेज होगा। क्या है आपको क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एल्कोहल पॉइजनिंग, मैकेनिज्म ऑफ एल्कोहल पॉइजनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल पॉइजनिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसी बेहतर वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।